गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बेटा, लेट्स कंटिन्यू विद द चैप्टर लीनियर इक्वेशन। यस्टरडे आई टोल्ड यू अबाउट व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड देन वी डिड द क्वेश्चंस हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन, राइट? लीनियर इक्वेशन में सॉल्व करना है, उसकी वैल्यू निकालनी है, वेरिएबल की वैल्यू। एनी डाउट टू एनी वन? रिवाइज किए थे क्वेश्चन? नहीं किए? रिवाइज तो नहीं किए, ये तो श्योरिटी है, लीविंग 2-3 स्टूडेंट्स, क्योंकि सारे क्वेश्चंस करवा दिए थे कल क्लास में। वी डिड ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन द क्लास, दैट्स व्हाई नोबडी हैज रिवाइज्ड। उसमें जो भी हम काम करते हैं बेटा, जैसे सारे क्वेश्चंस किए, जस्ट गिव 15 मिनट्स टू योरसेल्फ। उसमें जो लास्ट वाले क्वेश्चन थे एलसीएम वाले, क्लास में खुद हम देख के करते हैं वो अलग बात होती है, बिना देखे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, दैट इज डिफरेंट। अगर आप कल अपने एक्सरसाइज को 15 मिनट देते तो आपको लगते 15 मिनट, बाद में करोगे 10 दिन बाद में, तो ऑल ऑफ अस यू हैव टू गिव मोर टाइम। सो डेली रिवाइज द थिंग्स विच वी डू। समझ आ गई? करना अपने हैं, हमने एक बार करवा दिया, उसके बाद वी जस्ट हैव टू गाइड यू। इफ यू विल टेक द गाइडेंस इन अ गुड वे, इफ यू विल फॉलो द गाइडेंस, इट विल बी बेटर फॉर यू, फाइन? अदरवाइज मार्क्स आर योर्स। बोल दिया, थैंक यू बेटा। ठीक है जी, तो अब हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज 2.2, ओपन पेज नंबर 28। इन एक्सरसाइज 2.2 वी हैव स्टेटमेंट सम्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक द स्टेटमेंट इक्वेशन फ्रॉम द स्टेटमेंट एंड देन वी विल सॉल्व इट। ओके, तो ध्यान से समझना है। नेक्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, यू गेट 1/8। व्हाट इज द नंबर? सबसे पहले हम लिखेंगे, लेट द नंबर इज इक्वल टू x। वी हैव टू फाइंड द नंबर। We will suppose the number is x. According to question, what is this? A dot T dot Q dot. According to question. Now let's make the equation. Please look on the board and leave your pen. If you subtract 1/2 from a number, what is the number? X. If we subtract 1/2 from a number, x में से 1/2 का माइनस करो एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 एंड देन वी विल मल्टीप्लाई। ये 1/2 में से 1/2 माइनस कर दिया x में से। इफ वी सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम द नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, मल्टीप्लाई जो भी माइनस करके आया उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 1/2 से। इसको ब्रैकेट में डालना है क्योंकि ये दो टर्म्स हैं। एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, वी यू गेट, व्हाट यू गेट, व्हाटएवर यू गेट वो कहाँ आता है? इक्वल टू के उधर। वी गेट 1/8। इक्वेशन क्लियर हुई? लेट अस डिस्कस इट अगेन। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम द नंबर, नंबर क्या है x, x में से 1/2 सब्ट्रैक्ट किया एंड मल्टीप्लाई इट विद अगेन हाफ, इसको ब्रैकेट में रखना है, यू गेट जो भी है इक्वल टू, वी गेट 1/8। इक्वेशन इज क्लियर? नंबर ही तो निकालना है, दिया कैसे होगा? वही तो फाइंड करना है, वो कौन सा नंबर है? वो x है, x ही तो निकालना है। अभी थोड़ी Have easy. इसको कैसे करोगे? Who will tell? How to solve this? Raise your hand. अच्छा, ये भी ठीक है।
दो तरीके हैं, डिवाइड क्यों होगा, डिवाइड सीधा करो ना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये टू नीचे है, सीधा उधर भी जा सकता है। लेकिन अगर आपको एकदम से कंफ्यूजन होती है तो आप ऐसे, वैसे तो ना ये ब्रैकेट के बाहर अगर मान लो ऐसे हो, मान लो फोर होता, ऐसे होता वन बाय फोर, आप फोर को सीधा उधर भी ले जा सकते थे, जैसे अगर ऐसे होता है तो टू को इधर ले जाते हो सीधा, क्योंकि टू किधर था, ब्रैकेट के बाहर। ऐसे ही देर आर टू वेज, इधर यू टेक दिस वन बाय टू डायरेक्टली अपवर्ड और यू ओपन द ब्रैकेट, क्योंकि एकदम से हमारे माइंड में ये क्लिक आता है, क्लिक करता है कि हम ब्रैकेट ओपन करें, ठीक है। वन बाय टू वैसे अगर आप सीधा ले जाते हो ना, वो ज्यादा इजी रहता है, उसमें एक्स के साथ फिर कोई एलसीएम का चक्कर नहीं है। देखो इधर ये ब्रैकेट के बाहर है ना, वन बाय टू, टू नीचे है, हम सीधा टू को ऊपर ले जाए, टू इज गेटिंग डिवाइड हियर, इट विल गो ऑन द राइट हैंड साइड एंड इट विल गेट मल्टीप्लाई। क्या बचा हमारे पास, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये वन बाय टू इधर लेफ्ट हैंड साइड पे किस साइन के साथ है, उधर जाके क्या होगा, हाँ जी मैंने बता दिया है, अगर आप ब्रैकेट ओपन करते हो पहले देखा करो, अगर आप ब्रैकेट ओपन करते हो तो 1 by 2 into x is 1 by 2x minus 1 1 का 1 2 2 का 4 that is 1 by 4, फिर 1 by 4 को उधर लेके गई एलसीएम लिया, 2 नीचे है 2 को ऊपर लेके गई, we will get the same answer, both ways are you can do in any of the way, समझ आना चाहिए। एनी डाउट, डन, अगला देखो, ये समझ लग गया, बस ठीक है छोड़ दो सर, किसी बच्चों ने इनसे भी किया हो सकता है इसलिए मैंने वो लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ध्यान से समझ बेटा, बातें नहीं करो, समझ आ गई। आई एम टेकिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन अ स्लो स्पीड, जल्दी जल्दी नहीं करवा रही हूं कि ये नहीं कि सिर के ऊपर से ही निकले, एक एक क्वेश्चन वी आई एम गिविंग टाइम टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन सो दैट इट गेट्स क्लियर प्रॉपरली, फाइन, समझो ध्यान से। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, एक रेक्टेंगल है उसका हमें पेरीमीटर गिवन है, कितने 150, पेरीमीटर रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 into L plus the length or breadth, हमें क्या निकालना है, लेंथ और ब्रेथ, और हमें साथ में कंडीशन गिवन है लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इसको अंडरलाइन करो,
लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. पेन पेन दे दो, पेन ना, पेन से कर लो. तो सबसे पहले बेटा इसमें हम क्या लिखेंगे, एलबी का कंडीशन को लिखेंगे. राइट डाउन, लेट ब्रेथ ब्रेथ इज एक्स मीटर. ब्रेथ को मैंने मान लिया एक्स, यूनिट नहीं भी लिखते हो कोई बात नहीं, ठीक है. ब्रेथ हो गया एक्स. हु विल टेल मी व्हाट इज द लेंथ, रेज योर हैंड. यस नो, रेज योर हैंड आई सेड. यस प्रबल, यस वाणी. Yes, both are right. See, let's write length. Length is 2 meter to more than मतलब plus more than twice its breadth means 2x. दोबारा देखो, breadth मान लिया x, length क्या है, length की condition given है that length is 2 meter more than twice its breadth. So 2 more than twice breadth means 2. Now perimeter of rectangle is 2 into l plus b. ये फॉर्मूला होता है. What is given to you perimeter? तो perimeter के नीचे मैं 154 लिख सकती हूँ. Yes? 2 into length कितनी है? Length is 2 plus 2x plus breadth कितनी है? क्यों बेटा? ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, दो ब्रैकेट क्यों आएंगे? लेंथ क्या है? 2 प्लस 2x, वो लिख दी. तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2x लिख सकते हैं, ब्रैकेट थोड़ी डाले जाना. नहीं समझ आ रहा? लास्ट गर्ल, व्हाट्स योर नेम? आस्था, समझ आ रहा है? सेकंड लास्ट, व्हाट्स योर नेम? अक्षिमा. आप अक्षिता? अक्षिमा. What's your name, second boy? Manan, समझ आ रहा है? आपका नाम? राघव. Is it clear? What's your name? भावना. भाविका, sorry. Okay. ये समझ आ गया बेटे? अब देखो, 154 is equal to 2. Bracket में देखो, ये 2. What is 2x plus x? ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस 0. अब हम क्या करेंगे? ब्रैकेट ओपन करेंगे. क्या करेंगे? अनलाइक टर्म्स आ गई ना, ये एक्स वाली, ये 2, दोनों के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है. 2 into 6. अब 4 plus 6x है. x निकाल ले, ये 4 इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके क्या होगा? सिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड. x हमारा कितना आ गया? 20. देयरफॉर
देयरफॉर लेंथ ब्रेथ इज 25 मीटर. लेंथ क्या है? 2 + 2x. 2 + 2 × 25 = 50. 50 + 2 = 52. Because ultimately we had to find length and breadth. Note down, please. नोट डाउन, जल्दी जल्दी से नोट कर लो. हाँ जी बेटा, एनी चाइल्ड हु कैन टेक द स्क्रीनशॉट रेज योर हैंड. हाँ जी, स्क्रीनशॉट एज प्रबल इज इन कमिंग ऑफलाइन, सो हु विल टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द सॉल्यूशन. नो वन. Yes, Mankirat. आप ले लोगे बेटा? जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो किया वो तो चलो कोई बात नहीं है ना. सेकंड क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ग्रुप में डाल देना, मैथ्स ग्रुप में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. नेक्स्ट देखिए. द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4 × 3 cm. द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4 × 2 = 15 cm. व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स? Now listen. Now given to you is an isosceles triangle. एक isosceles triangle है. You all know in an isosceles triangle, two sides are equal. You all know two sides of an isosceles triangle are equal. The base is given to you 4 by 3. जो given side है वो अलग है, बाकी जो दो sides है वो equal है. ये कहां से हमें पता चलता है? आप कहोगे मैम ये base है तो ये भी तो एक side इसके equal भी तो हो सकती है. जो दो बाकी की दो sides है वो base के equal नहीं है, आपस में equal है, ये कहां से पता चला? Isosceles में ये दोनों भी तो equal हो सकती है, बट ये दोनों इक्वल नहीं है. 4 by 3 दोनों में से कोई नहीं है, ये कैसे पता चला? तो मैंने अपनी तरफ से बनाया है, क्वेश्चन में गिवन है. क्या गिवन है प्रबल? यस, लेंथ ऑफ, हमें निकालना है लेंथ ऑफ ईदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स. की जो बाकी बच गई हैं उसकी लेंथ निकालनी है जो कि इक्वल साइड्स हैं. मतलब ये भी एक्स तो ये भी x. बात समझ में आ गई? गुरनूर समझ आ रहा है? कितने मार्क्स है मैथ्स में? कुछ नहीं होता, बताओ. लिस्ट तो है ही है मेरे पास, 35. तो ठीक है, सुस्त क्यों हो? और चाहिए थे तो है ही वो तो, लेकिन कोई बात नहीं, बकअप. हां जी,
फेल कौन है आप में से मैथ्स में? अच्छे बच्चे 25 से भी लोग किसके हैं? 30 से भी लोग? सबके ऊपर है। मनन आपके कितने बिलो है? तो बोल क्यों नहीं रहे? शर्म आ रही? आपके कितने मानी? 44? सो व्हाट वी विल राइट? वी विल राइट लेट ईच इक्वल साइड इज एक्स सेंटीमीटर वन साइड इज 4/3 सेंटीमीटर एक मिनट Now what is the perimeter of triangle? Is kya? But kya equilateral? किसी भी ट्राइंगल का पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स ही होता है। इक्विलेटरल को तो हम 3 × साइड भी लिख सकते हैं। आइसोसेलेस में हम 3 × साइड नहीं लिख सकते। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? जो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल है क्योंकि उसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं तो उसको हम 3 × साइड भी लिख सकते हैं, जैसे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर में 4 × साइड लिखते हैं। लेकिन मान लिया अगर कोई जनरल ट्राइंगल आइसोसेलेस या स्केलन, तो उसमें व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल? सम ऑफ ऑल साइड्स। इक्विलेटरल में भी लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स। समझ आ गई? अब आपको हैबिट है ज्यादातर की एक्स वाली टर्म्स इधर लिखने की और वैल्यू उधर लिखने की, ठीक है? आप लिखोगे दिस इंप्लाइज व्हाट इज द पेरीमीटर, आप ऐसे लिखो। पेरीमीटर कितना गिवन है बच्चे आपको? 4/3, ठीक है? दैट इज एक्स प्लस एक्स प्लस 4/3 इज इक्वल टू 62/15 x plus x 2x। ठीक है, अब ये जो टर्म है 4/3, दिस इज विदाउट x, ये उधर लेके जाएंगे, माइनस होगा, कहीं गलती है? सेवन बाय फाइव लीजिए। एनी डाउट टू एनी वन यू कैन आस्क। समझ आ गई बानी?
हाँ जी बेटा, एनी डाउट? आपका नाम क्या है? क्या नाम है? मेरे को सुना ही नहीं, फिर नीचे परमजीत, कितने मार्क्स है मैथ्स में? पास है? 14? 42। आए, इसको शौक ही लग गया। ठीक है, गुड। पुण्य आपके आपके हेलो हाँ जी मैडम, क्या नाम है आपका? क्या कितने मार्क्स हैं? पढ़ो, है ना, समझ आ रहा है? Those who have got less marks, बेटे, whatever is done now. Fine? Now start studying. पुराने टर्म के चैप्टर्स एक दो ही रिपीट होने हैं, मैंने आपको कल भी बताया है, ठीक है? ऑफलाइन एग्जाम्स कितनी देर बाद हुए थे, समझते हैं सब, पेरेंट्स टीचर्स ऑल एवरीवन अंडरस्टैंड, बट नॉट नाउ। नाउ यू नो दैट योर एग्जाम्स आर गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑफलाइन ओनली। Everything is coming back to previous normal condition. So start studying. चलिए बेटा next करेंगे. Sum of two number is 95. If one exceeds the other by 15, find the numbers. Very very easy. कहते दो numbers का sum है 95. अगर एक नंबर दूसरे नंबर से 15 बड़ा है, एक्सीड मतलब बड़ा, एक नंबर दूसरे से 15 बड़ा है, हमें बताने हैं वो दो नंबर्स कौन से हैं जिनका सम 95 है, और वो दो नंबर्स ऐसे होने चाहिए कि दोनों में डिफरेंस कितना होना चाहिए? 15 का। आई एक्सीड इन मनी देन हर बाय 15। अगर मेरे पास x मनी है तो इसके पास कितनी होगी? 15 plus x plus x plus. I exceed. मेरे पास 15 रुपए ज्यादा हैं जितने भानी के पास हैं। मेरे पास x है, इसके पास कितने होंगे? मेरे पास 100 है, मेरे पास 15 रुपए ज्यादा हैं जितने भानी के पास हैं, और मान लो मेरे पास 100 है, इसके पास कितने हैं? कितने हैं इसके पास? दिमाग खराब है? 85। ये 100 मैंने अज्यूम किया। अगर मेरे पास x मनी है तो इसके पास कितने हुए? x माइनस 15। 85 तभी आया ना, 100 माइनस 15 करके। तो आप लिखोगे ए, राइट डाउन, लेट वन नंबर, वैसे इतनी बड़ी बड़ी गेम्स खेल लेनी है मोबाइल पे, सारे फीचर्स पता है, एक सिंपल सी चीज को ऐसे सोचते हैं पता नहीं क्या हो गया। लेट वन नंबर इज एक्स, एक नंबर एक्स है, मान लो ये बड़े वाला नंबर है, ठीक है, x, अदर नंबर x माइनस 15, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का जो सम है x प्लस x माइनस 15, दोनों का सम कितना है? ब्रैकेट हटा दी, ना भी डालो चाहे ब्रैकेट पहले, x प्लस एक्स। बेटे देखो मैंने कितने स्टेप्स कर दिए, आप सीधा भी कर सकते हो, 2x इज इक्वल टू 100, सीधा भी। So 55 and 40 are two numbers whose sum is 95 and their difference is 15.
ओके नो डाउट। इसके इवन क्वेश्चंस फेयर में कर लेना, ठीक है? इवन क्वेश्चन फेयर में, और मैथ्स की जैसे क्लास वर्क कॉपीज अलग लगाना ही। एनी डाउट? एनी डाउट? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 and 4 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। ये पहला नंबर 50, दो नंबर निकालने हैं ना, पहला 55, दूसरा ये आंसर है, वरना ये नहीं करोगे तो एक नंबर कटेगा। हाँ प्रबल, तो आएगा ही, आगे एक्सरसाइज में है, आ सकता है, आएगा ही जब करेंगे तो। पहले तू भाग रहा है, वेरिएबल नहीं है एक्स, तो एक ही वेरिएबल वाला चैप्टर कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक ही तीन वेरिएबल होते फिर नहीं आता, वेरिएबल एक है तो आ सकता है, बुक में से उठाया ना, आ सकता है। हाँ ये आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ऑल राइट स्टूडेंट, सी यू टुमारो बेटा, टेक केयर। हाँ जी।